Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. T-Mobile presents Dhamaka offer on 1st anniversary opposite Axis Bank, Ashok Takis, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को महबूब नगर के सभी तबकात के साथ साथ मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अब्दुल रहमान सदर ज़राई मार्केट कमेटी और ख्वाजा फयाज उद्दीन रुकन वक्फ तहफ़ व राबता कमेटी ने दफ्तर BRS में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इन क़ायदीन ने कहा कि डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने पिछले 9.5 साल में अखिलियातियों बिलखसूस मुसलमानों की तालीमी समाजी व माशी तरक्की के लिए जो काम किया है उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे कई काम हैं जो डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने अंजाम दिए हैं और हल्के के मुसलमान डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ऐसे में सियासत अखबार में सोशल मीडिया पर अवकाफ़ी जायदादों के मुतालिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो भी बेबुनियाद सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। जो कुछ मफाद परस्त अफराद जो जानबूझकर इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, अवकाफ़ी जायदादों के तहफ़ के लिए डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जो खिदमात अंजाम दी है वो काबिल सताइश है। इस मौके पर BRS क़ायद मोहम्मद मकबूल अहमद सना सदर जामा मस्जिद, अब्दुल राफ़े ज़की मोतमद, तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज़ इदरीस मोतमद ईदगाह कमेटी, सैयद ज़फ़र शाह सदर जहांगीर पिरान ITI, सेक्रेटरी अब्दुल मुख्तदर के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट प्योर पोर्ट मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। जो अखबार में खबर शाये हुई और जैसे कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें गश्त करती हैं उसकी हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हुए कि महबूब नगर के मुसलमान तकरीबन 10 साल से तेलंगाना BRS हुकूमत के साथ है, BRS पार्टी के साथ है और अब तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा महबूब नगर के मुसलमान हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब से, उनकी खिदमात से, उनकी तरफ से जो महबूब नगर की तरक्की हुई उससे यहाँ की अवाम काफ़ी मुतमईन है। ऐसी कोई शिकायत का मौका देने के लिए भी तैयार रहे ना सुनने के लिए तैयार है। जहाँ तक हो सके इस तरीके की अफवाहें जो सियासत पेपर कुछ कुछ दिनों में अरसे में डालते रहती है ख़ासकर श्रीनिवास गौड़ साहब के ताल्लुक से, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जैसा कि अवाम मुतमईन नहीं है ये बात गलत, और श्रीनिवास गौड़ साहब अवकाफ के जायदादों पर कब्जा किए ये बात गलत, और बहुत सारे लोगों को किसी और तरीके से सताया जा रहा है ये बात गलत। अगर किसी को कोई शिकायत है तो बराबर आगे किसी को हमारे सामने बोल सकते हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। वाकई में अगर कोई हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की तरफ से किसी भी किस्म की अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो आप ऐसे के हम सबसे रुझू हो सकते हैं, हम भी ऐसे के उसका हम जाकर श्रीनिवास गौड़ साहब से उनके सामने बात रख के या उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मगर इस तरीके से अफवाहें फैला कर आदमी को बदनाम करना और ख़ासकर सियासत पेपर वालों से मेरी गुजारिश है कि आप जिम्मेदार लोगों से बगैर जो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते ऐसे लोगों की बात समझ सुनकर आप किसी आदमी के ऊपर अखबार में खबर शाये करना ये हमारे लिए काफ़ी तकलीफ दे बात है। मैं सियासत के एडिटर साहब से गुजारिश करूँगा आप, क्योंकि अब तो ये मौका इलेक्शन का है, आप महबूब नगर आइए, आके यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी से मीटिंग रखिए और उनसे पूछिए, आप खुद पूछकर मुतमईन होकर जाइए और ताकि हमारे आने वाले दिनों में हमको हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब का साथ देना ज़रूरी है
और तेलंगाना में हम केसीआर साहब की हुकूमत को कायम करने के लिए और केसीआर साहब को ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी से जिताने के लिए महबूबनगर के पूरे मुसलमान रात और दिन सुबह रोज काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी से श्रीनिवास साहब को जिताएंगे। गया था नंबर ऑफ कब्रस्तानों के लिए दिया गया है। माइनॉरिटी स्कूल्स में टिमरीज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 6 माइनॉरिटी स्कूल्स और 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स यहाँ पर लाए, क्या ये गलत बात है? हमारे बच्चों को तालीम देना क्या ये गलत बात है? निजामबाद में नहीं है, करीमनगर में नहीं है, कहाँ जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर भी इतने स्कूल्स नहीं है, 2 या 3 स्कूल है। महबूबनगर टाउन में 6 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स लाए मिनिस्टर साहब और 6 जूनियर कॉलेजेस लाए, क्या ये बात गलत है? 2880 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे मुसलमानों के बच्चे, 2880 बच्चे एक साल में टिमरीज के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जूनियर कॉलेजेस में 940 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये बात गलत है? आप लोग देखिए, परसों भी गृहलक्ष्मी स्कीम में 1150 3 लाख की जो स्कीम आई थी, 1150 मुसलमानों को सैंक्शन किया गया है वो स्कीम में, और डबल बेडरूम नहीं दिया, बोले 784 डबल बेडरूम मुसलमानों को दिया गया है। आप लोग रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं दिख रहा, डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, हमारे लोगों को करना नहीं दिख रहा? टिमरीज के जो बिल्डिंग्स है किराए के मकान, किराए के बिल्डिंग्स में चल रहे, यहाँ पर ओन बिल्डिंग होना बोल के बोयपल्ली गांव में एक 15 एकड़ और वीरना पे डबल बेडरूम के पास एक 8 एकड़, टोटल एक 23 एकड़ जमीन से गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट करके परमानेंट कैंपस होना बोल के 120 करोड़ रुपए से यहाँ पर काम चल रहा, बजट सैंक्शन हुआ, क्या ये बात गलत है? आप लोगों को क्या ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा? और अभी हमारे एक रिपोर्टर साहब पूछे कि सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आया कि 14,000 या 15,000 मुसलमानों पे केस बुक करके सता रहे, अब डेटा है तो दीजिए, इलेक्शन में खाली पुकार करके खाली एक माहौल खराब करके यहाँ का जो अच्छा ताना बाना है, यहाँ पर जो अच्छा माहौल है उसको खराब करना, ये कहां तक बात सही है? और जो लोग महबूबनगर के नहीं है, हैदराबाद में बैठ के लिख रहे, उनको क्या मालूम यहाँ की हालत? कोई एक बोल दिया उसको नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, हाथ में मिला सोशल मीडिया लिख रहे, लिखते हो जरा तक यहाँ से लो, यहाँ के लोगों से पूछिए। और भी नंबर ऑफ एलिगेशन लगे उसके, और क्या बोले भाई, और पोस्ट में क्या बोले? और लैंड ग्रैबिंग करे, वफ की लैंड हम बचा लिए बोले, काम करे बताओ, कौन बचाए, कौन बताए? हम लोग सारे साथ थे, मिनिस्टर खुद साथ में थे, मिनिस्टर साहब खुद साथ में थे, वो एमएलए थे वो साथ में थे, हम लोग भी पूरे साथ में थे, कहां पर क्या लैंड ग्रैबिंग हुई बताइए आप, क्या बचाए? और अपील कर रहे एक कांग्रेस के पार्टी के एक सेक्युलर लीडर है, उनको वोट दीजिए बोल के, आप देखिए आप कैसा माहौल है, माहौल कैसा जा रहा है, कैसा बना रहे हैं? मेरे को आप पोस्ट डाले, मैं देख लेता हूं आप लोग कितने सेकुलर है क्या है वो आवाम को मालूम है। 2012 में रामाया बोली में क्या हुआ वो सबको मालूम है। और भी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है, मैं वो टॉपिक पे फिर एक बार बात करता हूँ, उनके बारे में फिर एक बार बात करता हूँ, और हमारी पार्टी का भी स्टैंड फिर एक बार रखेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है, आज का जो ये है, सोशल मीडिया में और स्ट्रिक्टली सियासत पेपर में जो टॉपिक लिखी गई है, हम लोग पूरी पार्टी की तरफ से हम लोग स्ट्रांगली उसको कंडेम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात, गैर जिम्मेदार बात लिखी गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक रिप्यूटेड पेपर, एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखेंगे बोल के, 100% गलत है जो भी उनको इंफॉर्मेशन दे रहे, पहले जरा देख लो बोलो पेपर बदनाम हो रहा, आपके पेपर अच्छा है पेपर है समझ के लोग पढ़ते सियासत पेपर, वो पेपर बदनाम हो रहा, ऐसे चीजों में मत जाइए। आप लाया के लोकल रिपोर्टर से वो मालूम कीजिए, और भी नहीं है तो भी एक महबूबनगर में आइए, आपकी टीम को लेके आइए, यहाँ पर एक अच्छा डिबेट रखिए, यहाँ पर हम भी हमारे जो कारनामे है, हमारे जो काम है बोलेंगे, और जिसको जिसको तकलीफ है उनको भी बुलाइए, बात करेंगे क्या मसला है। मैं प्रेस के थ्रू, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि महबूबनगर के 90% मुसलमान
10% मैं इसलिए छोड़ दिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, थोड़े बहुत जनों वो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनका इख्तियार है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, लेकिन मेजॉरिटी अवाम मुसलमान पूरी बीआरएस पार्टी के साथ है। आगे 30 नवंबर को जब इलेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट कार के निशान को मिलेंगे और कार चलेंगी, अच्छी चलेंगी और बीआरएस गवर्नमेंट ही आएंगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। और जो अभी भी अफवाहें फैला रहे, 30 तारीख के बाद फिर नहीं दिखते, 30 तारीख तक रहते, किराए का मकान लेते हैं या रहते हैं, सब बोलते 30 तारीख के बाद नहीं मिलते, फिर उनका अगर फोन मिला है तो प्लीज कॉल अगेन, ट्राई मी लेटर बोल के आता। परमानेंट रहने वाले हमारे मिनिस्टर साहब है यहाँ पर, हमारी पार्टी के लीडर्स है, हमारे काउंसलर्स है, आपके बीच में हम लोग सब है, अगर कोई मसला भी है तो आइए, हम लोग मिल बैठ के बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गलत न्यूज मत लिखिए और पब्लिक में साइकोलॉजिकली कुछ हो रहा नहीं यहाँ पर फील्ड पे, तो कुछ ऐसे पेपर्स उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी पार्टी के तरफ से 100% हम उसको कंडम करते हैं। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।